क्या आपके भी फेस पर पिंपल है और आप अपने फेस को कुछ इस तरह से स्मूथ करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये कोई क्लिकबेट नहीं है। पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप अपने फेस को इतना स्मूथ कैसे कर सकते हो, वो भी हाई क्वालिटी में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि फेस पे कितना सारा पिंपल्स है एंड काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है एंड सभी को स्मूथ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस फोटो को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर एडिट कर लेना है एंड ये सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को एडिट कर लिया एंड आपको जूम करके दिखा देता हूँ फेस किस टाइप का है। एंड अभी आपको यहाँ पर ऊपर में एक ब्रश का टूल देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर बहुत सारे ब्रश देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइस आपको स्मज वाले ब्रश में जाना है एंड कुछ इस नंबर का सिलेक्ट करना है ब्रश को एंड सेटिंग में जाके इसके यहाँ पर फ्लो एंड स्ट्रेंथ को 6 कर लेंगे। फ्लो भी 6 कर लेना है एंड आपको स्ट्रेंथ भी 6 कर लेंगे एंड साइज को आपको 20 के आसपास रखना है एंड ये सारी सेटिंग आपको सेम रखनी है, क्योंकि गाइस एंड तभी आप अच्छे से कर पाओगे। एंड इसमें आपको बिल्कुल फ्लो करके चलाना है जिस तरह से आपकी मतलब स्किन्स है, एंड नहीं तो आप इसको धीरे से करोगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना गाइस आपका अजीब सा फेस स्मूथ हो जाएगा एंड जो कि आपको बिल्कुल अच्छा देखने में नहीं लगेगा। तो इसको अच्छे से आपको अपने फेस पे कुछ इस तरह से चला लेना है एंड मैं इसको आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हो कि आप हमारा फेस कितना स्मूथ हो चुका है एंड अगर आपको भी इस तरह का बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको फेस पे बहुत ही आराम से इस ब्रश को सिलेक्ट करके चलाना होगा, क्योंकि गाइस तभी आपको इस तरह का बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड आप देख सकते हो बिल्कुल, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि कितना ग्लो कर रहा है हमारा फेस एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी आपका नहीं घटेगा। एंड इसके बाद आपको अपने फोटो को सेव कर लेना है सेव टू डिवाइस में जाके एंड आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड अभी जो काम बाकी है उसको हम लाइटरूम के अंदर करेंगे, तो लाइटरूम में इस फोटो को एडिट कर लेना है। तो हमने लाइटरूम में इस फोटो को एड कर लिया जिसका अभी हमने फेस को अच्छे से स्मूथ किया था एंड उसके बाद आपको ऑटो टूल्स का यूज करके आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लाइटिंग को ये एडजस्ट कर देगा। एंड आप चाहो तो देख सकते हो अपने लाइटिंग को कि किस तरह से इसने एडजस्ट किया एंड आप अपने मैनुअली भी कर सकते हो एंड आपको जितना अच्छा लगे। एंड यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में जाना है एंड मिक्स वाले टूल्स में एंड आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा ऑरेंज कलर के मैं यहाँ पर सैचुरेशन को कम करके एंड आपको अपने फेस के हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर लेना है एंड ब्राइटनेस आपको हाई रखना है, क्योंकि आपका फेस को ब्राइटनेस चाहिए तो आपको जितना आप चाहो उतना हाई रख सकते हो। तो मैं कुछ अपने फोटो पे इस तरह से कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ एंड ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमारा पूरा फोटो एडिटिंग करके नहीं बताने वाला हूँ। फोटो एडिटिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर ढेर सारा देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप एडिटिंग अच्छे से सीख पाओगे। एंड मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा सा टेक्सचर को ऐड करना है। इसको मैं 10 रखूँगा एंड क्लैरिटी को भी 15 या 16 के आसपास रख लेंगे एंड मैं 14 कर लेता हूँ एंड डीएच को थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, एंड मैं विग्नेट को हल्का सा कम करूँगा। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर इसके ग्रेन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके जाए गाइस आपके जो फेस पे टेक्स्चर है वो काफ़ी अच्छा आएगा, जैसे देख सकते हो टेक्स्चर जो हमारा कितना अच्छा आ रहा है। एंड उसके बाद गाइज आपको इसके जस्ट नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर शार्पिंग को थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको मास्किंग को भी ऐड कर लेना है 20, यहाँ पर मैं 35 कर लेता हूँ एंड नॉइज रिडक्शन को भी आपको हल्का सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा हमको स्मूथनेस हमने पहले कर लिया अपने फोटो को। एंड अभी आप देख सकते हो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा फेस पे टेक्स्चर वगैरह एंड क्लैरिटी वगैरह बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। एंड मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ कि टेक्स्चर कितना अच्छा हमारे फेस पे आया, बिल्कुल फोटोशॉप के जैसा हमारा फेस लग रहा है। एंड गाइस इसी तरह से स्मूथ आप अपने फेस को कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन की हेल्प से। एंड वो दो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। तो गाइस इसी तरह की आपको एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है गाइस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू गाइस।